नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के वार्ड नंबर 8 में प्याऊ और सार्वजनिक शौचालय में गंदगी, कामबार, आसपास के क्षेत्रों में बड़े बड़े अस्पताल हैं और साथ ही नगर निगम के बड़े कार्यालय भी हैं। दिन भर जनता का आवागमन होता रहता है। यह वह जगह है जहाँ पर पहले पुरानी राजू टी स्टॉल हुआ करती थी। प्याऊ की हालत काफी बदहाल है, शौचालय में काफी गंदगी है। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के हम दावे करते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो से नज़ारे कुछ ही और ही करते हैं। केकेआर न्यूज़ के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। नमस्कार आदाब, मैं केकेआर न्यूज़ से आसिफ खान, सिटी रिपोर्टर। आइए समय में खड़ा हूँ फतेहगढ़ पे, जहाँ पर राजू टी स्टॉल पहले हुआ करती थी। और आप देख सकते हैं, पहले तो ये कैमरामैन से कहूँगा, रोड पे ये भीड़ कितनी है, काफ़ी लोगों का आवागमन इस क्षेत्र में रहता है। और वापस कहूँगा कैमरामैन से कि अब इधर आ जाएं मुद्दे पर। ये जो प्याऊ आप देख रहे हैं, भोपाल की दो महाशक्तियाँ, दिग्गज नवाब मंसूर अली खान पटौदी, क्रिकेट से जुड़ी हुई दो हस्तियों के बहुत बड़े यहाँ पर फोटो लगे हैं। दूसरे हैं मरहूम डॉक्टर शफकत मोहम्मद खान साहब। इस प्याऊ का निर्माण उत्तर के विधायक जनाब आरिफ वकील साहब ने करवाया था। बड़ी बड़ी हस्तियाँ उस समय यहाँ पर आई थी। और इस प्याऊ में फ़िलहाल तो मैं अब आगे आके बताऊँगा कि ना तो प्याऊ में पानी है और ना ही इसकी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इससे भी ज़्यादा हैरत आपको जब होगी, जब मैं धीरे धीरे इस प्याऊ से लगे हुए एक टॉयलेट भी है, इस टॉयलेट का नज़ारा जब आपको दिखाऊंगा, तो भोपाल के अंदर इस समय इससे गंदी जगह शायद कोई नहीं है। कैमरामैन से कहूँगा कि धीरे धीरे इस गंदगी को जब वो दिखाएंगे, थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा हमारे अनस खान से कि देखिए आप गंदगी का अंबार, देखिए आप, ये सिर्फ पहला आगे का हिस्सा है, इसके आगे पूरा टॉयलेट पड़ा हुआ है। नगर निगम प्रशासन इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, क्यों ये कंडम पड़ा हुआ है, बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी, कितना कचरा। और आइए इस प्याऊ और शौचालय जो बना है उसके सामने मेडिकल संचालक हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इनसे मैं पूछूंगा। ये भी काफ़ी परेशान है इस चीज़ को लेकर। सर, ये सफाई कब से नहीं हो पाई है सर यहाँ पर? सफाई तो आप देख ही रहे हैं, 8 साल हो गए हैं, 8 सालों से हम पता नहीं कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं। तो ये इतनी अच्छी राजधानी होने के बाद, भोपाल शहर में इतना अच्छा और VIP एरिया होने के बाद, आप बाथरूम की कंडीशन से ही समझ जाइए, तो आगे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिलहाल अभी सफाई बिल्कुल कोई नहीं आया, कितनी कंप्लेंट हो गई है, इतनी कंप्लेंटें करने के बाद भी बदबू का आलम देखिए यहाँ तक आ रही है। बदबू आप भी देखिए, स्मेल कितनी गंदी आ रही है, हम दूर तक होके बैठे हैं, इसीलिए जी के आगे भी नहीं बैठ पाते। पूरा शुभ नाम आपका? किशोर देवनाथ। सर, ये सामने एक बाथरूम और प्याऊ है, ना तो प्याऊ में पानी है, कैसी हालत है यहाँ पर, सफाई क्यों नहीं हो रही है? ये यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो करना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो खड़े होने लायक जगह ही नहीं है। बाहर से भी खड़े होकर अगर कोई चाहे तो वो अंदर नहीं जा सकता, बहुत बुरी हालत है उसकी, ना तो पानी है उसमें और ना अंदर जाके कोई पेशाब करता। और प्याऊ भी बंद पड़ा है? प्याऊ तो बंद पड़ा है काफ़ी टाइम से, वो तो खाली देखने के लिए। खाली देखने के लिए। क्या नाम है आपका? जुबैर। जुबैर सर, अभी सामने एक वॉशरूम है, वहाँ पर आप गए थे सर, कैसे कैसा माहौल दिखा है आपको वहाँ? सबसे पहले तो ये हॉस्पिटल के सामने वॉशरूम है, तो यहाँ जो है हमारे नगर निगम को साफ सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको पेशाब करने जा रहा है, वहाँ पेशाब करने का भी दिल नहीं चाहेगा, इतना गंदा वॉशरूम है। और फिर उसके पास प्याऊ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं उसके अंदर प्याऊ लगा हुआ है, और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम से प्याऊ है, ना तो उसमें पानी ना उसके अंदर जो है नल है ना कुछ है। तो ये हमारे आरिफ वकील साहब जो यहाँ के विधायक हैं और जो यहाँ के पार्षद साहब हैं रिहान अभिया, उनको जो है थोड़ा इसके ऊपर गौर करना चाहिए और जनता के लिए कुछ करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हस्सान। ये आप फतेहगढ़ के पास खड़े हैं सर, यहाँ आपने थोड़ा मुआयना भी किया, कैसा नज़ारा है जहाँ पहले राजू टी स्टॉल हुआ? प्याऊ देखिए, यहाँ पर प्याऊ बनी हुई है और बाथरूम बना हुआ है, दोनों की बेनता बुरी स्थिति है, ना तो साफ सफाई है और ना प्याऊ के अंदर पानी है। नगर निगम ने इसकी तरफ देखने के लिए कोशिश भी नहीं की कि इसकी तरफ देखें, ताकि कम से कम इसकी सफाई हो सके। बेनता बदबू है, कचरा पड़ा हुआ है, और भोपाल शहर के बाथरूमों का और साफ सफाई का ये हाल देख लीजिएगा, वो जिम्मेदार सोए हुए जी। सर, ये बाथरूम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, आम पब्लिक के लिए सफाई होना चाहिए, बड़े बड़े नाम बैनर पे लगे हैं। देखिए,
शहर के लिए बड़े दुख की तकलीफ की बात है, जो शहर का नवाब हुआ करते थे, नवाब पटौदी का फोटो लगा, बड़े शर्म की बात है। इसके अंदर जो पानी की प्याऊ लगी हुई है, पानी नहीं है, बाथरूम बना हुआ, बाथरूम के अंदर गंदगी है, उसकी उससे जो पानी का प्याऊ बना हुआ है उस पानी के अंदर भी बदबू आने लगी, तो उसके अंदर पानी की प्याऊ में पानी भी तलक नहीं है। लेकिन इससे बड़ी इस शहर के लिए बड़े शर्म की बात है, तो जो नवाब पटौदी सत्तर मोहम्मद खां क्रिकेट के जो भोपाल के जाने जाते थे उनके नाम की जो तोहिन हो रही है, इस नगर निगम को शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए इससे बड़ा। बहुत जानदार। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।